हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम ये देखिए, ये पुरानी जीन है मेरे पास, इसका यूज़ करके एक बहुत ही प्यारा सा टेबल मैट बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी गंदी सी हो गई है, ख़राब हो गई है ये जीन, तो इसका यूज़ करूँगी। ऊपर से तो देखिए ये वाली कटी फटी सी है, लेकिन नीचे से मैं इसको कट कर लूँगी। और ये देखिए, इस तरह का नेट फैब्रिक मेरे पास पड़ा है, इसके साथ हम पैच वर्क करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही प्यारा सा ये टेबल मैट जो है हम बनाने वाले हैं। आप चाहो तो इस तरह के डाइनिंग टेबल के लिए भी मैट बना सकते हैं, टेबल रनर बना सकते हैं, बेड रनर भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से यहाँ से जो यहाँ कटी है, यहाँ से मैं इसको निकाल लेती हूँ, जितना भी पीस निकलेगा। तो देखिए, एक साइड से मैंने निकाल लिया, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी कट कर लेती हूँ। अब देखिए, यहाँ से हमने ओपन करना है, तो यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है एक साइड से। तो एक सीधा सा पीस हम रेडी कर लेंगे, जोड़ डालेंगे इसके बीच में। बिल्कुल ये नैरो सी पेंट है, तो इसमें से इतनी चौड़ाई में कपड़ा नहीं निकलेगा, लेकिन इतना सा ये देखिए निकल गया है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी मैं कट कर लेती हूँ। और ये जो सिलाई वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो सिलाई लगी होती है, इसको आपने निकाल लेना है, नहीं तो इस पर क्या होता है ना, सुई टूट जाती है, ये काफ़ी मोटा होता है। तो दोनों पीसेस देखिए मैंने कट कर लिए हैं इस तरह से। तो आप देखिए, इस तरह से रखना है हमने, एक साइड को चौड़ाई वाली साइड, ऊपर वाली साइड, एक जो नैरो है नीचे वाली साइड। अब इस तरह से जोड़ते हुए ना, यहाँ से हमने सिलाई लगा लेनी है और एक पीस जो है हमने रेडी कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से एक पीस मैंने रेडी कर लिया है, और नीचे वाली साइड आप देख सकते हैं। अब इसको सीधा कर लेते हैं, पूरा हमने बराबर करके, लंबाई और चौड़ाई इसकी अच्छे से बराबर करके। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा छोटा है, तो इसको मैं पूरा अच्छे से बराबर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें साइज़ का नहीं है, आपने जिस भी साइज़ का बनाना है आप बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, तो यहाँ पे मैंने ना एक फ्लावर बनाना है। तो किसी भी तरीके से आप ये देखिए फ्री हैंड, या आप गत्ते के ऊपर ड्रॉ करके इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, तो एक कॉर्नर पर मैंने इस तरह से फ्लावर बना लिया। तो ये देखो, इसको हल्का सा डार्क कर लिया मैंने। अब देखिए, जो दूसरी साइड पे हमने सेम तरीके से बनाना है, तो दूसरी साइड हमें फिर से ना बनाना पड़े, इसलिए मैंने इसको अच्छे से डार्क कर लिया। अब देखो, इस तरह से कॉर्नर के साथ कॉर्नर को मिलाते हुए बराबर से, ये देखो, और हाथ से इस तरह से मैं दबाते हुए, मारते हुए ऊपर से ना, इसको नीचे वाली साइड भी हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ये देखो, तो है ना, ये बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इस तरह से आप अपना काम भी जल्दी कर सकते हैं, अपना टाइम भी बचा सकते हैं, और इस तरह के स्मार्ट आइडियाज़ जो हैं आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अब देखिए, दोनों साइड फ्लावर मैंने बना लिए हैं, तो यहाँ पे हमने पैच वर्क करना है। तो ये वाला जो वाइट कलर का नेट फैब्रिक है मेरे पास, काफ़ी टाइम का ये पड़ा है, तो इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप देखिए, जो हमने ड्रॉ किया था ना नीचे, उसी के ऊपर ही सिलाई लगाते हुए हमने इसको स्टिच करना है, उसी के ऊपर ही सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, निशान हमें हल्के हल्के नीचे से दिख रहे हैं, तो जो निशान हमने लगाया था फ्लावर का, बस उसी के ऊपर से ही हमने मशीन को चलाते जाना है। तो कई बार हमारे पास कोई दुपट्टे पड़े होते हैं नेट के, या कोई साड़ी पड़ी होती है नेट की, या कोई पीस ऐसे भी हमारे पास कई बार पड़े होते हैं ना, तो उनका हमें समझ नहीं आता कि इनका क्या करें। तो अगर हल्का सा हमें आइडिया मिल जाए ना, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है हम बना सकते हैं। और बढ़िया से उसका जो हमारे वेस्ट कपड़े हैं, उनका यूज़ हम कर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है ना, बस वहाँ से ही ये देखिए, इस तरह से हमने नेट को कट कर लेना है। हल्का हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए हमने नेट को कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हमने बारीक टांके से ही सिलाई लगानी है, यहाँ पे आपने बड़ा टांका नहीं करना है, बारीक टांका लगाते हुए ही आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरह से पैच जो है हमारा रेडी हो गया, लेकिन इसकी फिनिशिंग अभी आगे करेंगे अच्छे से।
अब देखिए मैंने ना कुछ सर्कल बनाने हैं, गोलाई में फ्लावर बनाने हैं। तो ये देखिए जो नीडल हमारी पिंस होती है ना, उनका ये इस तरह का होता है सर्कल, ये वाला प्लास्टिक का। तो उसके साथ ये देखो सर्कल मैंने सारे साइड पे ड्रॉ कर लिए हैं। ये देखो अंदाजे से ही मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिए। अब हम इनके ऊपर भी नेट के साथ ही फ्लावर बनाएंगे। तो ये वाली नेट वाइट कलर का भी बनाऊंगी, और बीच में ये देखिए जो मेरे पास पहले भी इसका मैंने यूज़ किया है दुपट्टे का, तो ये देखिए इसका भी मैं इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से इसका जो है फ्लावर मैं बना के आपको दिखाने वाली हूँ। तो जहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ किया था सेम उसी पर हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको कट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए। ये देखिए इतना इतना छोड़ते हुए ना पूरा गोलाई में हमने इसको कट कर लेना है। कम से कम 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा आपने रख लेना है। यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो इसको भी मैं पूरा बराबर कर लेती हूँ। ये देखिए अभी बराबर करके हमने कर लिया। अब हमने लेना है सुई धागा। ये देखो इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनेगा। ये देखो बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है, चुन्नट डालते हुए आएगा ना पूरा। तो सुई धागे से हम इसको पूरा करेंगे। ये देखो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे ना तो इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर सुई धागे से आप करोगे तो बहुत ही प्यारा इसका लुक जो है आ जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। अब दिखाती हूँ सुई धागे से हमने कैसे इसको करना है। तो सुई धागा लेकर ये देखिए इस तरह से हमने बड़े बड़े टांके लगाते हुए जैसे हम कच्चा करते हैं ना, वैसे ही हमने कच्चा करते जाना है। और पूरा गोलाई में इसको जितना भी हमारा ये सर्कल है पूरा इसी तरह से कच्चा करके हमने फिर धागे को खींच के बहुत ही प्यारा सा हम फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए धागे को खींच लेंगे और यहाँ से अच्छे से टांके लगाते हुए ये देखो पक्का करके। तो देखिए कितना प्यारा हमारा ये फ्लावर जो है पैच वर्क जो है बन के रेडी हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे कोई मिरर वगैरह भी लगा सकते हो या कोई स्टोन लगा सकते हो। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग करके छोटे फ्लावर बना के आप कोई दुपट्टा भी डिज़ाइन कर सकते हो, बेडशीट को भी डिज़ाइन कर सकते हो, कुशन कवर बना सकते हो, टेबल रनर जो भी आप बनाना चाहते हो हर चीज़ आप बना सकते हो। बस आपने जब बेडशीट बनानी है बड़े साइज़ के फ्लावर बना सकते हैं। अगर सूट पे डिज़ाइनिंग करनी है तो आप छोटे छोटे फ्लावर बना के सूट को भी या दुपट्टे को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देखिए इसी तरह से ना सारे ये वाला फ्लावर भी मैं रेडी कर लेती हूँ और जो ये सर्कल है बीच में इसी तरीके से सर्कल को भी रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए सर्कल भी मैंने सारे फ्लावर बना लिए हैं और ये फ्लावर भी हमने रेडी कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये वाली जिग जैग वाली लेस लेकर ये जो हमने वाइट कलर का नेट का पैच बनाया था इसको हमने ये देखिए इस तरह से आउटलाइन करनी है इसकी लेस के साथ, ताकि ये देखने में अच्छा लगे, उभर के आए और इसके धागे धागे तो नेट के नहीं निकलते लेकिन इसकी फिनिशिंग जो है एकदम अच्छी आ जाए। तो आउटलाइन हमने इसकी ज़रूर कर दी है। ये देखिए इस तरह से गोलाई बनाते हुए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने आउटलाइन जो है इसकी कर लेनी है। तो फ्रेंड्स जो दूसरी साइड पे मैंने नेट का पैच बनाया है उस पर भी सेम तरीके से मैं आउटलाइन जो है कर लूँगी। ये देखो इस साइड पे कर ली मैंने, अब दूसरी साइड पे भी कर लेती हूँ। तो देखिए आउटलाइन जो है मैंने कर ली है, बैक साइड से भी आप देख सकते हैं। अब नीचे हमने कोई इसके नीचे जो है कपड़ा लगाना है। तो कपड़ा लगाने के लिए देखिए मैंने ना वाइट कलर का ये कपड़ा लिया है, इसको चारों साइड से पहले स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए कपड़े को मैंने अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेती हूँ। आप बड़े साइज़ का या छोटे साइज़ का अपने हिसाब से बना सकते हो। बेड रनर बना रहे हो तो आप उस हिसाब से इसके लंबाई और चौड़ाई ले सकते हो। तो देखिए इस तरह से देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। अब आगे हमने क्या करना है, अब हमने पट्टी लगानी है। तो पट्टी जो है वो भी मैं जो वाइट कलर की नेट थी इसी की लगाऊंगी। बैक साइड से सिलाई लगाते हुए हमने नेट को पट्टी को अटैच करना है।
अगर आप चाहो तो यहाँ पे ना चारों साइड पे फ्रिल भी लगा सकते हो, नेट की फ्रिल बनाकर नेट की फ्रिल भी आप लगा सकते हो, वो भी अच्छी लगेगी। पहले मैं फ्रिल लगाने लगी थी लेकिन फिर मैंने इसी तरह से लगा दिया, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम फ्रिल लगाएंगे तब भी ये काफ़ी सुंदर लगेगा। तो चारों साइड से पट्टी लगा के इसको मैं रेडी कर लेती हूँ। देखिए कैमरे में पता नहीं क्या हो रहा है ना, बार बार इसको कलर साइज़ का ख़राब हो रहा है। अब देखिए इस साइड पे भी मैंने पट्टी लगा दी, चारों साइड पे पट्टी लगा के पहले मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए हल्का सा फोल्ड करते हुए फिर हमने साइड वाली पट्टी को लगाना है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ ताकि हमारा कॉर्नर जो है अच्छे से बन जाए और उसकी फिनिशिंग जो है अच्छी आए। तो देखिए चारों साइड पर पट्टी लगाने के बाद हमने क्या करना है, हल्का सा इसको आउटलाइन लाइनिंग करेंगे, हाईलाइट करेंगे पट्टी को। अभी देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। अब जो हमने लेस लगाई थी ना, ये वाली जिगजैग वाली, ये देखिए आप देख सकते हैं अभी एकदम से बढ़िया उठ कर इसकी पट्टी को उठ कर आई है ना, नहीं तो ऐसे थोड़ी सी पट्टी हमारी दबी दबी सी लग रही थी। तो इस तरह से अगर हमने ये लेस को लगा दिया तो एकदम से ये पट्टी हमारी हाईलाइट हो गई और एकदम से हमारा डिज़ाइन जो है उभर के आया है। अगर हम पट्टी नहीं लगाते ना, ये सॉरी पट्टी के ऊपर लेस नहीं लगाएंगे ना, तो डिज़ाइन हमारा इतना जो है अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद देख सकते हैं जब मैंने ये इस पर लेस लगा दी तो डिज़ाइन जो है बहुत ही उभर के आया है, बहुत ही प्यारा भी लगा है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने पुराने दुपट्टों का यूज़ भी कर लिया और पुराना जो जीन थी उसका भी यूज़ कर लिया और उसके साथ हमने बहुत ही प्यारा सा ये टेबल मैट जो है बना लिया है। इस तरह से आप देखिए डाइनिंग टेबल के लिए मैट बना सकते हैं, सेंटर टेबल के लिए, और कहीं पे भी आप डेकोरेशन करने के लिए इस तरह के मैट जो हैं आप बना के रख सकते हैं। आप चाहो डाइनिंग टेबल के लिए पूरा सेट बनाओगे तब भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट भी ज़रूर करना, और नेट फैब्रिक अगर आपके पास पड़ा है तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बहुत प्यारे लगते हैं। आइडिया जो था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, अभी आइडिया आपको मिल जाएगा क्योंकि हर किसी के पास नेट के दुपट्टे या साड़ी वगैरह या शिफॉन का भी हो तब भी चलेगा। शिफॉन का जैसे हमारे पास दुपट्टे होते हैं ना पुराने, जैसे वेस्ट होते हैं हम उनको यूज़ नहीं करते, तो इस तरह से पैच वर्क के लिए आप उनको यूज़ में ला सकते हैं। आप चाहो बड़े साइज़ की बेडशीट भी बना सकते हो, डिज़ाइन जो है अपने हिसाब से आप रेडी कर सकते हो। तो देखिए अभी मेरे पास ये नेट बहुत सारी पड़ी है, तो धीरे धीरे जो भी मेरे पास आइडिया मेरे माइंड में आता रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे वीडियोज़ देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो आप देख सकते हैं लुक इसका बहुत ही बढ़िया आया है। आप चाहो तो ये जो मैंने गोल वाले फ्लावर बनाए हैं ना, इनकी भी आउटलाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।